चलो लेट्स स्टार्ट। अप्रैल 21। लेट्स डू वन थिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। ओके, वी जस्ट हैव 4 क्वेश्चंस इन दिस पेपर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूं। जस्ट हैव 4 क्वेश्चंस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। रीड करो क्या बोल रहे हैं। स्टार्ट रीडिंग इट ऑन योर ओन एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन एज वेल। A statistician wants to model the number of passengers boarding a bus from a bus stop close to a student residential area. तो उसको क्या देखना है, उसको मॉडल करना है नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो बस बोर्ड करे। दे कैन थिंक ऑफ 3 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। रूट, विच रूट इट इज, 8 AM और 9 AM का रूट है, इफ इट इज ड्यूरिंग द सेमेस्टर और नॉट, एंड द टेम्परेचर एज सेल्सियस। ठीक है, 3 चीजें। द स्टेटिस्टिशियन हैज डेटा फॉर 20 डेज गिवन इन द फाइल नेम पैसेंजर। सो दिस डेटा बेसिकली इट्स इन आर डेटा फॉर्मैट। सो वील मूव दिस टू डाउनलोड्स एंड वील कंट्रोल शिफ्ट सी, कॉपी द फाइल पाथ। And believes that the response variable passengers, which is the number of passengers, follows poison. After loading the data into R, the data frame data passenger with all the variables will be available. So let's first load the data, load function use karke, because it's a R data file. ठीक है, इसको रन करो। यू हैव डेटा पैसेंजर्स, लेट्स जस्ट पे क्लिक करने से ना यू कैन व्यू द फाइल। सो वो व्यू वाला आपका कमांड पास हो जाता है, नॉट रिक्वायर्ड बट जस्ट टू चेक। नंबर ऑफ पैसेंजर्स है, रूट है या तो 8 AM या 9 AM, सेमेस्टर है कि सेमेस्टर चल रहा है या नहीं, एंड यू हैव द टेम्परेचर ओके इन सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट स्टेट द लीनियर प्रिडिक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मॉडल स्पेसिफाइड विद द फॉलोइंग आर कोड एक्सप्लेनिंग ऑल द रेलिवेंट टर्म्स। सो दिस इज अ लाइक दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ एग्जैक्टली हम लोग जो बोलेंगे पेपर बी का जो क्वेश्चन आता है उस टाइप का नहीं है ये। तो यहाँ सबसे पहला पार्ट में आपका लीनियर प्रिडिक्टर कैसा होगा, लीनियर प्रिडिक्टर ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स। पहला इज टेम्परेचर प्लस सेमेस्टर, क्या होगा बताओ लीनियर प्रिडिक्टर। वी कैन राइट इट एज अल्फा जे प्लस बीटा 1 x 1। अल्फा जे प्लस बीटा 1 x 1 वन इंटू x1, वेर x1 इज वॉट, वेर x1 इज द टेम्परेचर वेर एंड एक्स वन इज द टेम्परेचर। वेरिएबल एंड अल्फा जे इंक्लूड्स द सेमेस्टर एंड द इंटरसेप्ट। तो वेर आप लोग लिखोगे, मैं इसमें पूरा नहीं, अल्फा जे इज जहां पे जे आपका 1 है या 2 है,
क्योंकि आपके सेमेस्टर दो ही पॉसिबल है, तो बेसिकली टेम्परेचर प्लस सेमेस्टर बोला है ना, तो टेम्परेचर में एनी वैल्यू हो सकता है सेल्सियस का, एंड सेमेस्टर कैन बी योर सेमेस्टर चल रहा है नहीं. सो सेमेस्टर जे इक्वल्स टू 1 और 2 डिपेंड्स ऑन वेदर द सेमेस्टर इज गोइंग और नॉट गोइंग. सो मे बी A1 alpha 1 इज सेमेस्टर, alpha 2 इज नॉन सेमेस्टर. ठीक है, वो पूरा आप लोग क्लियरली समझा दोगे. पार्ट बी, टेम्परेचर मल्टीप्लाई टेम्परेचर इंटू सेमेस्टर बोला है, तो जब ऐसे बोलता है हम लोग, ये क्या है, दिस इज अ वर्ड. इंटरैक्शन टर्म, हाँ, इंटरैक्शन टर्म, इंटरैक्शन टर्म जब भी होगा तो आपके दोनों चीजें जाएंगी, इंडिविजुअल इफेक्ट एज वेल एज इंटरैक्शन इफेक्ट. इंडिविजुअल इफेक्ट प्लस एज वेल एज द इंटरैक्शन टर्म. सो इट शुड बी टेम्परेचर प्लस सेमेस्टर प्लस टेम्परेचर कोलन सेमेस्टर, है ना, कोलन सेमेस्टर. तो इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो सेमेस्टर का आपका वैसा आ जाएगा कि ये तो आपका रहेगा ही. एक बार मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, ऑल दो दिस इज नॉट द आंसर करेक्ट, बट ये वाला टर्म तो रहेगा क्योंकि इंडिविजुअल टर्म है, सेमेस्टर चल रहा है नहीं, तो ये वाला टर्म रहेगा ही. और एक क्या टर्म आएगा, ये वाला जो टर्म है ये भी रहेगा, एक इंटरैक्शन इंटरैक्शन टर्म भी रहेगा ना, कि इंटरैक्शन में आप क्या देख रहे हो, टेम्परेचर एंड सेमेस्टर का इंटरैक्शन. तो यहाँ β1 के जगह पे कैन यू मेक इट β j अगेन, वेर अगेन j इज 1 एंड 2 डिपेंड्स ऑन द सेमेस्टर. यस. क्लियर? तो यहाँ बीटा वॉज कॉन्स्टेंट, बट यहाँ बीटा इज नॉट कॉन्स्टेंट. लेट मी जस्ट राइट बीटा ओवर हियर इंस्टेड ऑफ β1, क्योंकि एक ही बीटा है. देन पार्ट सी क्या है, टेम्परेचर इन सेमेस्टर, तो बेसिकली ये जो पार्ट है वो प्लस एक और दे दिया रूट. अब कितने रूट पॉसिबल है, 8 AM एंड 9 AM का दो रूट पॉसिबल है, तो ये तो एज इट इज रहेगा वेर X1 इज टेम्परेचर. मेक श्योर यू राइट दैट अल्फा X1 आईजे इज, हो जाएगा. वेरी गुड. एक और हो जाएगा, नहीं अल्फा आईजे कैसे होगा, इंटरेक्शन तो नहीं है रूट का एंड टेम्परेचर, रूट का एंड सेमेस्टर का, रूट अलग से है. तो गामा लिख दो या कुछ भी लिख दो, गामा आई लिख दो, देर आई इज अगेन टेकिंग द वैल्यू 1 एंड 2 डिपेंडिंग ऑन द रूट, जे टेकिंग वैल्यू 1 एंड 2 डिपेंडिंग ऑन सेमेस्टर, आई टेकिंग वैल्यू 1 एंड 2 डिपेंडिंग ऑन द रूट टेकन. बोलो. अब ये एक तरीका है लिखने का. दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको सोल्यूशन से दिखा देती हूं. देखो ये वाला, ये हो गया A+β1 X1 β2 X2, तो A हो गया आपका नॉर्मल टेम्परेचर, हो गया ये नहीं, A हो गया आपका इंटरसेप्ट, सॉरी β1 × X1, X1 इज टेम्परेचर, X2 इज ऑल्सो टेम्परेचर, इन्होंने थोड़ा अलग किया, X1 इज टेम्परेचर, X2 इज सेमेस्टर, वेयर X2 इज 0 अगर नॉन सेमेस्टर है, X2 इज 1 अगर सेमेस्टर है. तो ये वाला टर्म अपने आप 0 हो जाएगा. उसके बाद अगेन सेकेंड वाला हो गया, ये वाला पार्ट तो है ही, उसके साथ ये एक आ गया γ × X1 X2, X1 इज टेम्परेचर एंड X2 इज द सेमेस्टर. तो अगर ये 0 है तो ये पूरा टर्म नहीं आएगा, अगर ये 1 है तो ये पूरा टर्म आ जाएगा. सिमिलरली ये पूरा पार्ट सेम है, बट इसमें एक और टर्म आ गया β3 X3, वेर X3 इज योर रूट टेकन. ठीक है, इट इज 0 इफ 8 AM रूट, 1 इफ 9 AM रूट. इज इट क्लियर, एक बार येस लिख दो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल. ठीक है, एक ही जन का यस आया, बाकी ओके. फिट अ पॉइजन
GLM, तो फैमिली पॉइजन हो गया हमारा बेसिकली. टू द डेटा सेट फॉर द मॉडल पार्ट 1C, लेबल दिस मॉडल एज मॉडल 1. योर आंसर शुड इंक्लूड अ समरी. ठीक है, तो अपने इसका पार्ट 2, मॉडल 1, GLM, क्या क्या जाएगा इसमें? पैसेंजर, पार्ट सी बोला है, मतलब ये वाला. तो टेम्परेचर प्लस सेमेस्टर प्लस टेम्परेचर कोलन सेमेस्टर भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली ये लिख देते हैं तो उससे तीनों टर्म्स आ जाएंगे. प्लस आपका रूट एंड फैमिली पॉइजन पॉइजन लिंक लिखने का जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख भी सकते हो, बिकॉज लिंक इज नॉट चेंजिंग, राइट? लिंक क्या होता है इसमें? आई थिंक लॉग होता है ना, तो नॉट रिक्वायर्ड. फैमिली में जाओ, पॉइजन का लिंक लॉग लिखने का जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो. सो यू गेट योर मॉडल 1 एंड देन यू रन अ समरी मॉडल 1 का, देख लो. तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ये आपके एस्टिमेट्स हो गए, ये आपका बेसिकली इंटरसेप्ट हो गया, वो अल्फा वाला जो टर्म है, ये आपका हो गया टेम्परेचर वाला टर्म, ये हो गया आपका सेमेस्टर. सेमेस्टर इसका मतलब है सेमेस्टर में दो था ना, सेमेस्टर में सेमेस्टर था, नॉन सेमेस्टर था. तो नॉन सेमेस्टर जो है वो आपका जीरो हो गया बेसिकली, वो इंटरसेप्ट में चला गया. एंड रूट 9M मतलब 8M वाला अगेन इंटरसेप्ट में चला गया. तो एंड टेम्परेचर एंड सेमेस्टर बेसिकली ये आपका ये वाला टर्म हो गया ना, बीटा वन एक्स वन वाला टर्म ये है. बीटा 1 नहीं होगा इधर, बीटा आई होगा ना, सॉरी बीटा जे. सेमेस्टर क्या बता रहा है? बेसिकली सेमेस्टर आपका वो है ना, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है जहां दो है वैल्यूज, सेमेस्टर का जीरो, सेमेस्टर का सेमेस्टर है, सेमेस्टर का नॉन सेमेस्टर है, देखो ना. तो सेमेस्टर सेमेस्टर का मतलब सेमेस्टर जहां आपका भी, जैसे जैसे नहीं होता है जेंडर मेल जेंडर फीमेल कैटेगरी सेमेस्टर और कैटेगरी नॉन सेमेस्टर. नॉन सेमेस्टर कहाँ चला गया? इंटरसेप्ट में, इंटरसेप्ट में अब्सॉर्ब हो गया. तो ये तो बीटा जे एक्स वन जो है, ये बीटा जे एक्स वन जो है, ये आपका दो बीटा जेज है ना, एक है आपका जहाँ पे बीटा जे सेमेस्टर एंड जे इक्वल्स, वो आपका ये वाला हो गया 0.10779, ये हो गया आपका गामा आई. ठीक है, ये हो गया आपका सिंपली जो खाली सेमेस्टर, मतलब अल्फा वन अल्फा टू है ना, अल्फा वन या अल्फा टू या अल्फा जीरो अल्फा वन वट एवर, तो ये वो हो गया आपका. ठीक है, तो वैसे बेसिकली अगर मैं आपको दोबारा सोल्यूशन दिखाऊं तो ये है, देखो ये इंटरसेप्ट है, ये आपका बीटा वन एक्स वन, जहां पे आपका एक्स वन इज टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर वाला टर्म है. ठीक है, मैं इससे फॉलो कर लो, योर अल्फा इज द इंटरसेप्ट, बीटा वन इज दिस टेम्परेचर, सेमेस्टर सेमेस्टर दिस बीटा टू का दो वैल्यू, एक ही वैल्यू आएगा बट एक्स टू के टू वैल्यूज रहेंगे. एक्स टू या तो वन हो सकता है या तो जीरो हो सकता है, वन फॉर सेमेस्टर जीरो फॉर नॉन सेमेस्टर, वो इंटरसेप्ट में चला गया. तो दिस इज योर बीटा टू, देन योर गामा, योर दिस इज योर गामा, this temperature and semester wala, this is your gamma and then beta 3 is this, got it? Yes, bolo. Beta j hoga na, kyunki humne isko wo liya hai interaction term, isiliye. Beta 1 x 1 matlab semester 1 सेमेस्टर एंड टेम्परेचर, एंड बीटा टू हो जाएगा नॉन सेमेस्टर एंड वैसे, इसीलिए बीटा जे. ठीक है, और अगर इससे समझोगे तो इजीली जैसे मैंने समझाया वो हो जाएगा.
होता क्या है, देखो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम नल मॉडल तो आपका खाली ए रहता है, देन यू इंट्रोड्यूस वन वेरिएबल विच इज टेम्परेचर, तो आपका हो जाएगा ये वाला, वन वेरिएबल है तो टू पैरामीटर्स हो गया अल्फा एंड बीटा वन, फिर एक और वेरिएबल आपने ऐड किया। अब प्रॉब्लम है कि उस वेरिएबल में आपके दो पार्ट्स हैं, तो प्लस एन माइनस वन होता था, तो अगेन वन मोर वेरिएबल, प्लस एन माइनस वन होता है ना, इफ एन इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स अंदर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, तो इसीलिए जैसे सेमेस्टर ऑन सेमेस्टर है तो टू माइनस वन और एक आ गया, फिर आप इंटरक्शन टर्म घुसा रहे हो तो ये आ गया, फिर आप रूट घुसा रहे हो, रूट में भी दो है तो टू माइनस वन, तो ये आपका वन टू थ्री फोर फाइव पैरामीटर मॉडल है, एंड दीज आर द फाइव पैरामीटर्स। अगर आप पी वैल्यू देखो तो सिग्निफिकेंट खाली आपका टेम्परेचर है, बाकी आपके इनसिग्निफिकेंट है। इज इट क्लियर? खाली आपको बोला है कि समरी रन करना है, आपको और कुछ नहीं बोला है करने। सेकेंड पार्ट इज कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ पैरामीटर, तो आप क्या बोलोगे, दैट टेम्परेचर वाला जो हमारा देखो सिग्निफिकेंट दिख रहा है, सो टेम्परेचर इज सिग्निफिकेंट, जो ये सेमेस्टर वाला है वो 25% है, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, रूट वाला इज अगेन नॉट सिग्निफिकेंट, द इंटरक्शन टर्म, ये वाला जो इंटरक्शन टर्म है ये सम वॉट सिग्निफिकेंस है क्योंकि 5% के थोड़ा सा ऊपर है, सो आप लोग बोलोगे द इंटरक्शन टर्म इज अगेन नॉन सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल बट क्लोज टू सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5%। हो गया? यस बोलो। पार्ट ए पार्ट बी क्लियरली लिखना है, पार्ट ए और वो पार्ट बी जो मैंने भी बोला। फिट एंड इम्प्रूव्ड मॉडल यूजिंग योर आंसर इन पार्ट टू हम बी। हाँ बोलो। इंटरेक्शन टर्म के लिए भी बोलेंगे क्या? सॉरी, हाँ इंटरसेप्ट के लिए भी बोलेंगे क्या? नहीं इंटरसेप्ट के लिए बोलते हैं कभी? ओके इंटरसेप्ट तो रहता ही है। okay. तो मॉडल टू इम्प्रूव्ड मॉडल कौन सा होना पड़ेगा बताओ? क्या हम लोग दोनों हटा दें? क्या हम लोग दोनों हटा दें? हम पहले सबसे ज्यादा इनसिग्निफिकेंट को हटाएंगे। करेक्ट, वेरी गुड। पहले जो सबसे ज्यादा इनसिग्निफिकेंट, और सबसे ज्यादा इनसिग्निफिकेंट कौन सा है? रूट वाला है, सिक्सटी यस नाइन मैम, ग्रेट परसेंट उसको हटाएंगे। तो आप लोग कौन सा फंक्शन, या तो जीएलएम फिर से यूज करो या कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? हाँ अपडेट। वेरी गुड, अपडेट फंक्शन, अपडेट मॉडल वन, फिर डॉट सिंगल डॉट माइनस रूट। डॉट स्विगल डॉट माइनस रूट रूट। कॉमा देना होगा मैम, कॉमा। कॉमा देना होगा, ठीक है। इसका समरी रन कर लो। तो AIC 60.336 है, पहले वाले में AIC 62 था, तो देर इज अ डिक्रीज इन AIC विच इज वॉट वी वॉन्ट, अगर हम लोग खाली AIC देखे, बट इन्होंने खाली इम्प्रूव करने बोला है, एंड देन नेक्स्ट पार्ट में बोला है जस्टिफाई इट इज एन इम्प्रूव बाय रेफरिंग टू आर कोड, सो बाय रेफरिंग टू आर कोड वॉट डू यू सी, अगेन टेम्परेचर इज सिग्निफिकेंट, दिस बिकम्स स्लाइटली मोर सिग्निफिकेंट कंपेयर टू ऊपर वाला, योर ए आई सी डिक्रीजेस दैट इज वॉट वी वॉन्ट। एक मार्क का क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा नहीं लिखना, आपको खाली लिखना है वी सी एन इम्प्रूवमेंट इन ए आई सी, वी सी दैट द ए आई सी फॉल्स फ्रॉम 62 पॉइंट समथिंग टू 60.33, सो द न्यू मॉडल इज इम्प्रूव्ड ओवर द इनिशियल मॉडल। देख लो।
यू आर गिवन अ न्यू मॉडल मॉडल थ्री स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग कोड. देखो पैसेंजर्स है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर एंड सेमेस्टर है. मतलब क्या किया इन्होंने, इन्होंने इंटरक्शन टर्म तो लिया है बट इन्होंने इंडिविजुअल टर्म सेमेस्टर को हटा दिया है. ठीक है, तो ये अपने कॉपी कर सकते हैं. डेमोन्स्ट्रेट वाई मॉडल थ्री आउट परफॉर्म्स द मॉडल डिफाइंड इन अबव पार्ट. तो इसको जब अपने रन कर रहे हैं, इसका अपने समरी ले रहे हैं, कैपिटल एम लिया इन्होंने, तो अब अपना ये आ रहा है 59.66 और वो था 60.33. सो द एआईसी हैज फॉलन फ्रॉम 60.33 टू 59. आप या तो एक काम कर सकते हो, बेटर मुझे जो लग रहा है इस केस में, इसकी सबका एआईसी एक्सट्रैक्ट कर लो. मॉडल वन डॉलर एआईसी, मॉडल टू डॉलर एआईसी, मॉडल थ्री डॉलर एआईसी. और हम लोग बोलेंगे कि मॉडल थ्री, क्योंकि बोला है कि इट आउट परफॉर्म्स बोथ द अबव मॉडल्स, तो आप बोलोगे कि ये वाला जो मॉडल है मॉडल थ्री जिसका एआईसी आपका 59.65 आ रहा है इज लोअर देन द एआईसी ऑफ द अबव टू मॉडल्स. हेंस वी कैन से दैट मॉडल थ्री व्हेन यू टेक द एआईसी एज द पैरामीटर आउट परफॉर्म्स द अदर टू मॉडल्स कंसिडर्ड. ठीक है, दिस इज योर पार्ट ए. मैम हम अनोवा टेस्ट भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हो बट इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ समरी बोला, तो नया टेस्ट क्यों रन करेंगे अपने. ओके, पार्ट बी में बोल रहा है कमेंट जो कि आपने कर दिए. ड्रॉ सूटेबल प्लॉट, तो कमेंट हमने कर दिया. एक सेकेंड, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना कि समरी से करना, मार्किंग भी साथ है. यहाँ पे देखो कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस, इन्होंने जैसे यहाँ समरी निकालने बोला ना. यस, देखो कर सकते हो, अनोवा से भी सेम ही आउटपुट आएगा. जस्ट दैट कि इन्होंने बोला नहीं एक्सप्लिसिटली टू कैरी आउट अ टेस्ट, खाली डेमोन्स्ट्रेट बोल दिया है. दे हैव नॉट स्पेसिफिकली मेंशन टू, ये जो 8 मार्क्स आपको दिख रहे हैं वो आपको इससे मिलेगा जब आप ये एआईसी से एक्सट्रैक्ट करोगे. ओके, मेथड दोनों ठीक है, कोई सा भी कर सकते हैं मतलब. ओके, एक चीज कर सकते हो अगर करना है तो, वन का ए एंड वन का बी. ओ सॉरी, आई स्किप्ड द क्वेश्चन. वन का ए एंड वन का बी, वन का ए और वन का बी तो हमने बनाया ही नहीं है. बनाया है क्या? हमने वन का सी बनाया था खाली, फिर उस पे इम्प्रूवमेंट्स किए थे. वन का ए और वन का बी तो बनाया ही नहीं. मॉडल बनाने के लिए वजह से इतना मार्क्स है. करेक्ट, ये मेरा स्किप हो गया. मॉडल ए कर दो, सेम मॉडल, जस्ट दैट इसमें टेम्परेचर प्लस सेमेस्टर होगा खाली. ठीक है, मॉडल बी कर दो, इसमें टेम्परेचर प्लस सेमेस्टर प्लस टेम्परेचर कोलन सेमेस्टर होगा. अब तीनों का निकालो, मॉडल ए बी थ्री. इससे कंपेयर होगा, समझ रहे हो? क्वेश्चन देखो कैसे हमने स्किप किया. वन का पार्ट ए एंड बी बोला है और मैंने क्या अंडरस्टैंड किया कि टू का ए एंड थ्री का ए, विच इज रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने ये दोनों इससे कंपेयर करने बोला है. तो इससे जब कंपेयर कर रहे हैं तो एआईसी सबसे लोएस्ट, तभी भी इसी का आ रहा है. मतलब टेम्परेचर प्लस सेमेस्टर, टेम्परेचर सेमेस्टर एंड इंटरक्शन, एंड एक हो गया टेम्परेचर एंड इंटरक्शन. तो थर्ड मॉडल इज गिविंग यू द बेस्ट रिजल्ट. गॉट इट? एक चीज जो और कमेंट में हम लोग लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं बताओगे?
बोला है क्वेश्चन में कमेंट ऑन योर आंसर. ऑल्दो द एआईसी इज लोएस्ट अंडर द मॉडल 3 बट इट डज नॉट इंक्लूड द मेन इफेक्ट टर्म. स्टिल डिस्पाइट ऑफ दिस इट स्टिल सूट्स द डेटा विच इज गुड बट इट डज नॉट. एक टर्म लिख देना खाली बट इट डज नॉट इंक्लूड द मेन इफेक्ट टर्म. Draw a suitable plot for the residuals of model 3 for checking the model's validity. कौन सा प्लॉट बना सकते हैं? वेरी गुड. यूजली हम वन ही बनाते हैं विच इज द रेसिडुअल्स अगेंस्ट द प्रिडिक्टेड वाई हैट का वैल्यूज. तो आपको क्या लग रहा है कुछ पॉइंट्स इस पे क्या कमेंट करोगे? ऑब्वियसली सेकेंड पार्ट विल बी द कमेंट पार्ट ओनली. मैम स्टार्टिंग में थोड़ा इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज हुआ बट फिर से स्ट्रेट होने लगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी ऑल द रेसिडुअल्स आर स्प्रेड अक्रॉस जीरो सो मीन ऑफ रेसिडुअल्स इज फेयरली अराउंड जीरो. वी सी नो पैटर्न इन द रेसिडुअल्स स्कैटर्ड फ्रीली एंड वेरियंस इज अगेन कॉन्स्टेंट. इंक्रीज डिक्रीज वर्ड मत बोलो क्योंकि वो गलत साउंड करेगा. अगर वेरियंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है मतलब देर इज अ पैटर्न तो वो मत बोलो. तो वी डोंट सी एनी पैटर्न इन द वेरियंस. द वेरियंस इज कॉन्स्टेंट एंड देर इज नो आउटलायर विच इज सिग्निफिकेंट. क्योंकि वो ऐसे याद है वो ऐसे आ जाते लाइन सिग्निफिकेंट अगर होता तो मतलब सिग्निफिकेंट आउटलायर ऑल्सो एंड विच इज सिग्निफिकेंट. तो यहां वैसा नहीं है. सो मॉडल सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट आप बोल सकते हो. कैलकुलेट द प्रिडिक्टेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स फॉर एन एटीएम रूट ड्यूरिंग द सेमेस्टर. मतलब सेमेस्टर में नॉन सेमेस्टर 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 होगा एट अ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब टेम्परेचर हो जाएगा 0 यूजिंग मॉडल 3. कौन सा फंक्शन प्रिडिक्ट बनाएंगे वो इसी के अंदर बना लेंगे. ओके मॉडल 3 डेटा डॉट फ्रेम आप अलग से बना सकते हो. इसमें बना लो एक ही बात है. मेक श्योर स्पेलिंग्स आर करेक्ट. सेमेस्टर और क्या बोले रूट इक्वल्स 8 स्पेस एएम है ना. नहीं स्पेस नहीं है. 8 AM टाइप क्या होगा रिस्पॉन्स की मीन. नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोला है रिस्पॉन्स. अगर बोलता मीन रिस्पॉन्स ऐसा कुछ बोलता तो एस्टिमेटेड बोलता तो मीन लिखते. या सिंपली एक चीज याद करो योर रिस्पॉन्स वेरिएबल एंड मीन वेरिएबल आर सेम व्हेन यू आर डूइंग GLM with family Gaussian. क्योंकि उस केस में आपका ईटा इज इक्वल टू म्यू होता है. Whereas यहाँ पे आपका ईटा इज इक्वल टू लॉग म्यू है बिकॉज फैमिली पॉइजन लिंक लॉजिट लिंक लॉग है. तो ईटा इक्वल्स लॉग म्यू है. सो इन दिस केस योर रिस्पॉन्स आउटपुट एंड मीन आउटपुट विल नॉट बी द सेम. ठीक है अंडरस्टूड. तो ये हो जाएगा रिस्पॉन्स. तो ये आपका आउटपुट आ रहे देख लो. सो द प्रिडिक्टेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स इज 1.865568. प्रिडिक्टेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स आ रहा है सबका तो यस लिखो. वी रिमूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है नेक्स्ट.
क्वेश्चन नंबर थ्री, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर वन. ऐसी में मन हो रहा है वन करने का, वन करते हैं. अ रिसर्चर रिकॉर्ड्स द लेवल ऑफ कैफीन प्रेजेंट इन देयर ब्लड स्ट्रीम एट वेरियस इंटरवल्स आफ्टर ड्रिंकिंग द कप ऑफ कॉफी. सो टाइम लैप्स्ड, 30 मिनट्स इंटरवल है, मतलब कॉफी पिया 30 मिनट्स के बाद, 60 मिनट्स के बाद, 90, 120, 150, 180, 210 एंड सो ऑन. ठीक है, हर 30 मिनट्स के इंटरवल के बाद क्या मेरा कैफीन लेवल है, विच इज ऑब्वियसली डिक्रीजिंग. यू कैन एंटर द वैल्यू टी फॉर टाइम एंड ऐसे. तो इसमें हम लोग काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं. आंसर वन, योग आपका टाइम, योग आपका कैफीन. इसको मैं हटा देती हूँ. ओके, प्लॉट अ स्कैटर प्लॉट ऑफ द डेटा. क्या हो जाएगा स्कैटर प्लॉट, कैसे बनाएंगे? प्लॉट टाइम कॉमा कैफीन. वेरी सिंपल करो. ए, मैं टाइप कर रही हूँ, होने ना. तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम ऑब्वियसली, एंड इसमें कैफीन. आप लोग कर सकते हो, PCH 19 करना है तो. एंड एक्स एक्सिस टाइम, वाई एक्सिस कैफीन. ठीक है, हेडिंग हो जाएगा टाइटल, प्लॉट फॉर स्कैटर प्लॉट फॉर टाइम एंड कैफीन, या फिर कैफीन वर्सेस टाइम. तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, वी सी योर डिक्रीजिंग रिलेशनशिप. कमेंट ऑन द रिलेशनशिप, व्हाट कमेंट यू विल गिव? वी सी अ डिक्रीजिंग रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कैफीन लेवल एंड टाइम एज टाइम इलेप्सेस या एज टाइम इंक्रीजेस फ्रॉम ड्रिंकिंग द कॉफी, द कैफीन लेवल इन द ब्लड ड्रॉप्स. हाउएवर, डू यू सी अ लीनियर रिलेशनशिप, येस और नो? नो, इट्स एन सो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप. गलत. आप लोग एक्सपोनेंशियल मन से नहीं लिखोगे, आप लोग लिखोगे नॉन लीनियर. किसने बोला आपको? आप अपने मन से आप लिख सकते हो, बट पहले लिखो. हाउएवर, देयर सीम्स टू बी अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप. वी कैन से दैट इट मे बी अ एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप, और यू कैन से दैट द कैफीन लेवल डीकेज एट एन एक्सपोनेंशियल रेट एज द टाइम इलेप्सिस. ठीक है, नॉन लीनियर भी लिखना है एंड एक्सपोनेंशियल भी लिखना है, दोनों पॉइंट. तो अपने क्या लिखते हैं, नेगेटिव एसोसिएशन या नॉन लीनियर एसोसिएशन? नॉट नेगेटिव, नॉन लीनियर बोलो, सॉरी इनवर्स बोलो. तो इनवर्स रिलेशनशिप, एज द टाइम इंक्रीजेस योर सी डिक्रीजेस, बट वी सी अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप, वी कैन सी एक्सपोनेंशियल डीके इन द कैफीन लेवल. जस्टिफाई व्हाई अ लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएट. तो अब आप लोग इसमें लिखोगे, गिवन द शेप ऑफ द ग्राफ इन पार्ट वन, अ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द कैफीन माइट रिजल्ट इन अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन लॉग सी एंड टाइम टी. करेक्ट, बिकॉज वी सी एन एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग शेप. अ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ऑन कैफीन मीनिंग लॉग सी कैन रिजल्ट इन अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन लॉग ऑफ कैफीन एंड टाइम एज सीन इन द ग्राफ अबव, वेयर वी सी अ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग शेप. परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन सजेस्टेड. तो करो ट्रांसफॉर्मेशन, क्या करेंगे, एक नया लॉग कैफीन बना लेंगे, लॉग कैफीन बना लेंगे, जहां लॉग ऑफ कैफीन ले लेंगे. देख लो, इसमें ना आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा. जो जो क्वेश्चंस इजी है वो आपको फास्ट मूव करना होगा,
प्लॉट अ स्कैटर प्लॉट ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड डेटा. तो हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या टाइम कॉमा लॉग, लॉग ऑफ कैफीन करेंगे. ठीक है, अगेन टाइटल में आप लोग क्या दोगे, प्लॉट फॉर टाइम एंड लॉग कैफीन, लॉग कैफीन लिखना. तो ये आ गया. नाउ यू सी अ लीनियर रिलेशनशिप, एक्सेप्ट थोड़ा टुवर्ड्स द एंड वो अजीब हो जा रहा है, बट हाउएवर वी सी अ लीनियर रिलेशनशिप. दिस इज योर 5 का पार्ट ए. कैलकुलेट द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द ट्रांसफॉर्म्ड डेटा. तो कोर ऑफ टाइम कॉमा लॉग कैफीन, मेथड पियर्सन लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रही. नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव भी बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आ रहा है, विच सजेस्ट कि काफी अच्छा लीनियर रिलेशनशिप है, काफी अच्छा नेगेटिव लीनियर रिलेशन. नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग एंड वन के क्लोज है, माइनस वन के क्लोज है, मतलब काफी अच्छा नेगेटिव रिलेशनशिप है. कमेंट ऑन द स्कैटर प्लॉट एंड पियर्सन कोरिलेशन इन पार्ट 5 ए एंड बी. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यूजिंग द स्कैटर प्लॉट वी सी दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप एंड इट सीम्स टू बी लीनियर, विच इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय द पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, विच इज गिविंग अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप. हेंस अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन लॉग ऑफ कैफीन एंड टाइम, या ट्रांसफॉर्म्ड कैफीन एंड टाइम, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्म किया है ना उसको, तब जाके आपका आ रहा है. ठीक, बोलो. ये देखो, आई विल जस्ट कम बैक इन अ मिनट एंड फिर अपने सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ. एन एनालिसिस वॉज कैरीड आउट टू इन्वेस्टिगेट द फेयरनेस ऑफ टू एग्जाम मार्कर्स. दे बोथ मार्क द सेम 150 एग्जाम पेपर्स विथ 10 क्वेश्चंस. तो 150 एग्जाम पेपर्स थे, 10 क्वेश्चंस थे, एंड द टोटल पॉसिबल मार्क्स of 100 for each exam paper. The data were collected and arranged in 10 equally spaced groups with marks rounded to the nearest whole number. Below are the frequencies of the marks given by each of the exam markers. So, ye dekho. सो बेसिकली द टोटल पॉसिबल मार्क्स इज 100, उसको लिया गया है
कितने मार्क, कितने आंसर स्क्रिप्ट में 0 से 10 के बीच में मार्किंग हुआ है, कितने आंसर स्क्रिप्ट में 11 to 20 हुआ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका मार्कर वन एंड मार्कर टू हो गया। क्लियर हुआ, डेटा क्लियर है? 0 से 10 इज द टोटल मार्क का रेंज, 11 से 20 इज द टोटल मार्क्स का रेंज। वन मार्कर ने 0 से 10 के बीच में कोई एक पेपर को दिया होगा, मार्कर टू ने 0 पेपर्स में दिया। ईच रो शुड एड अप टू 150, दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो शुड एड अप टू 150। यू कैन एंटर द फॉलोइंग यूजिंग मार्कर वन एंड मार्कर टू, तो इसको कर लेते हैं। चलो ठीक है, पार्ट वन। प्लॉट टू ग्राफ्स, वन फॉर ईच मार्कर, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्जाम मार्क्स गिवन बाय द टू मार्कर्स। प्लॉट टू ग्राफ्स, वन फॉर ईच मार्कर, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम मार्क्स गिवन बाय द टू मार्कर्स। तो बेसिकली हम लोग को मार्क्स वन एंड मार्क्स टू प्लॉट करना है। ठीक है, तो करते हैं। चलो कैसे करेंगे, कौन सा फंक्शन? इज इट अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल, तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा फंक्शन करते हैं? के लिए वेरी गुड, बार प्लॉट ऑफ मार्क्स वन मार्क्स वन, एक्स लैब वाई लैब दे दोगे, एक्स लैब में मार्क्स का ग्रुप, वाई लैब में नंबर ऑफ एग्जाम्स, मैम है ना नेम्स नंबर। करेंगे, हाँ नेम्स फंक्शन। हाँ नेम्स भी देंगे, पहले एक बार इसको रन करते हैं। नेम्स में क्या देंगे, नेम्स के लिए ना अब हम लोग को अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि नेम्स में आप क्या दे सकते हो, मतलब आपका जो एक्स एक्सिस है उसमें आपको आइडियली ऐसे लिखना है, 0 से 10, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 10 से 20, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 20 से 30, 30 से 40, ऐसे कर करके। हाँ मैम नेम्स देना मस्ट है। ओके भाई, ये कुछ समझ में आ रहा है आपको इसमें? मेले भी लाए हैं। 90 से 100, नेम्स इक्वल्स एक्सेस, आई एक्स एक्सेस। देखो अब बेटर लग रहा है ना? बट अगेन थोड़ा स्पेसिंग इश्यूज है, सो व्हील थोड़ा स्पेसिंग इश्यूज रहेगा आई गेस, या फिर आई गेस देर इज अ वे इन विच वी कैन, पहले तो वाई लिम चेंज कर दो इसका, वाई लिम कर दो 0 से 40 या 35, ताकि वो थोड़ा इंक्रीज हो तो बेटर लगे। इसका कलर दे देते हैं ब्लू, दिस इज मार्कर वन, सो एग्जाम मार्क्स बाय मार्कर वन, यहाँ हो जाएगा मार्क्स। अभी भी आ गया, खाली 90 to 100 वाला नहीं आ रहा है, थोड़ा और बड़ा करके इसको करेंगे ना, एंड मेरा थोड़ा, हाँ देखो अब आ गया। सो नाउ व्हाई आई हैव डन दिस इज व्हेन यू एक्सपोर्ट दिस, तो ये आपका पूरा आ जाता है, अदरवाइज वो पूरा नहीं आएगा। मेक श्योर यू गिव अ नाइस हेडिंग, एग्जाम मार्क्स ऑफ मार्कर वन, यहाँ पे आ जाएगा आपका एग्जाम का मार्क्स, टोटल मार्क्स, एंड यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ एग्जाम्स। इसका आपको बनाना है, मार्क्स टू के लिए भी बना लो। चलो मार्कर टू का भी बना लो सेम, खाली मैं कलर दे देती हूँ उधर रेड। ठीक है,
ये थोड़ा ऊपर चला गया, तो इसको 40 नहीं करके कैन डू 50। तो ये एक बार प्लॉट है, ये एक बार प्लॉट है, कंपेयर करो। देखो इसका पहले वाले का नॉर्मल के जैसा लग रहा है शेप, बेल शेप्ड, और इसका उतना नहीं लग रहा कि नॉर्मल है। सिमिलर बोल सकते हैं, देखो मोस्ट ऑफ द मार्क्स 50-60 को मिला है इसके लिए, और इसके लिए भी मोस्ट ऑफ द मार्क्स 50-60 को ही मिला है। ठीक है, क्लियर? कमेंट ऑन द ग्राफ्स। तो पार्ट बी में क्या कमेंट करेंगे कि द डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स सिमिलर सिमिलर फॉर द मिडिल मार्क्स, जैसे ये जो मिडिल मार्क्स है ये थोड़े सिमिलर हैं। हाउएवर जो हमारे साइड्स हैं, लो मार्क्स एंड हाई मार्क्स, देयर अपीयर्स टू बी मेजर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ देखो ये सब एग्जिस्ट करते हैं, बट मार्कर टू में वो ज्यादा लो मार्क्स या हाई मार्क्स नहीं दिया है। ये पहला कमेंट। दूसरा, मार्कर वन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, मार्कर टू का लग रहा है बट उतना क्लोज नहीं है। देर इज सम काइंड ऑफ स्क्यूनेस, मे बी नेगेटिव स्क्यूनेस बोल सकते हो फॉर मार्कर। बोलना नहीं है, नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना इफ यू आर नॉट श्योर, बट खाली वर्ड स्क्यूनेस लिख सकते। देर इज सम काइंड ऑफ स्क्यूनेस विच वी सी फॉर द मार्कर टू। ओवरऑल क्या सजेस्ट करते हैं कि दोनों मार्कर जनरली कंसिस्टेंट है, क्योंकि दोनों को सेम होना पड़ेगा ना, दोनों मार्कर्स को। अगर दोनों मार्कर्स बहुत डिफरेंट आंसर्स देंगे तो ऑब्वियसली एक बच्चा फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, विच एक्चुअली आप लोग को पता है होता है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग को बोलना है, वी सी सम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी मिडिल मार्क्स के लिए, हाउ वेरी लो एंड वेरी हाई मार्क्स में वी डोंट सी द कंसिस्टेंसी। अगेन दिस सीम्स लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डज नॉट सीम्स लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर सीम्स अ लिटिल बिट स्क्यूनेस प्रेजेंट ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ठीक है, इसको करो, देन वी मूव टू पार्ट टू। पार्ट टू में बोल रहे हैं, परफॉर्म अ सूटेबल टेस्ट। अब क्या बोला है, वन ऑफ द मार्क्ड पेपर्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड द स्कोर्स गिवन बाय ईच मार्कर इज एनालाइज्ड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। बिलो आर द स्कोर्स गिवन बाय ईच ऑफ द मार्कर्स इन द सिलेक्टेड पेपर। सो एक पेपर आउट ऑफ 150 पेपर्स, एक पेपर सिलेक्ट किया, हर एक क्वेश्चन में क्या मार्क्स गिवन है वो दे दिया। तो ये हो गया आपका मार्कर वन, मार्कर टू नया वाला। परफॉर्म अ सूटेबल टेस्ट वेदर द डिफरेंस इन द मीन स्कोर्स ऑफ द टू मार्कर्स इज जीरो और नॉट। डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर बोला है, तो डिफरेंस बिटवीन द मार्कर वन मार्कर टू शुड बी जीरो एट 5% कॉन्फिडेंस, टेकिंग इन टू अकाउंट दैट द टू मार्कर्स हैव मार्क द सेम पेपर, सेम पेपर। तो क्या करेंगे, वॉट इज योर नल हाइपोथिसिस, दैट द डिफरेंस इन द मीन मार्क्स इज जीरो। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द डिफरेंस इन द मीन मार्क्स इज नॉट जीरो। तो कौन सा टेस्ट हो गया, टी डॉट टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट, टी डॉट टेस्ट, मार्कर वन, मार्कर टू। यहां पे ना मार्क्स था इफ यू सी ऊपर में, और ये मार्कर है, कॉमा। एक इन्होंने जो बोला है गिवन इट इज द सेम पेपर, तो ये पेयर डेटा हुआ कि नहीं, सेम पीपल के लिए अपने क्या करते हैं पेड, ट्रू। ये ट्रू हुआ सेम डेटा के लिए, अपने पेड डेटा हुआ ना, सेम डेटा हुआ तो अपने पेड ट्रू करते हैं। इसको रन करो एंड देन यू चेक, दिस इज द पी वैल्यू विच इज लेस देन 5%, हेंस वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट जीरो एट 5% लेवल एंड वी कंक्लूड दैट द डिफरेंस इन द मीन स्कोर्स बाय द टू मार्कर्स इज नॉट जीरो। There appears to be a difference in the mean marks by the two markers.
पार्ट थ्री, परफॉर्म द टी टेस्ट इग्नोरिंग द टू मार्कर्स हैव मार्क द सेम पेपर. तो सेम चीज करना है, बट अब क्या करना है हम लोग को? पेड फॉल्स. पेड फॉल्स. बस पेड फॉल्स. ऑल्दो दिस डजंट मेक एनी सेंस, दो अलग ही बच्चों का पेपर्स को मिला के क्या होगा. अब हमारा पी वैल्यू आ रहा है ऑब्वियसली 5% से ज्यादा. वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, देर इज नो डिफरेंस इन द मीन स्कोर्स ऑफ द टू मार्कर्स. बट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? कमेंट ऑन द कंक्लूजन्स, एक बार सुन लो कमेंट. पार्ट टू एंड पार्ट थ्री विल डेफिनेटली गिव यू डिफरेंट रिजल्ट. पहले वाले में वी हैव टेकन द सेम पेपर एंड वी एक्सपेक्ट दैट बोथ द मार्कर्स विल गिव सिमिलर मार्क्स एंड द मीन मार्क्स, द डिफरेंस बिटवीन द मीन मार्क्स शुड बी जीरो. इन द सेकेंड, इन द थर्ड पार्ट वी हैव टेकन डिफरेंट पेपर्स, सो डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट दैट द मार्क्स गिवन बाय द टू मार्कर्स विल बी डिफरेंट. करेक्ट है? एक चीज और, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मार्कर वन एंड मार्कर टू इंडिपेंडेंटली मार्क्स दे आपको. और अगर वो इंडिपेंडेंटली आपको मार्क्स देंगे देन यू डेफिनेटली विल एक्सपेक्ट डिफरेंसेस ना. अगर दोनों सिमिलर आपको मार्क्स दे देंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्कर वन एंड मार्कर टू? So you expect the markers to be independent of each other. तो एक और एंगल है, इसको रीड करो, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है ऊपर में सोल्यूशन. देखो पार्ट टू एंड थ्री लीड डिफरेंट कंक्लूजन्स. वी वुड एक्सपेक्ट दैट द डेटा नॉट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर सिंस बोथ द मार्कर्स हैव मार्क्ड द सेम पेपर. तो ये एक्सपेक्ट करें जो मैंने बोला कि पार्ट टू में भी एक्सपेक्ट की दोनों सेम आए आंसर. क्यों? क्योंकि सेम पेपर है. देयरफॉर द पेयर्ड डेटा टेस्ट गिव्स अ स्मॉलर वेरिएशन एंड लीड्स टू रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल मींस. एंड इसमें क्या हो रहा था आपका 0.01 आ रहा है विच रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस. मतलब देयर इज अ वेरिएशन इन द मार्क्स गिवन बाय बोथ द मार्कर्स. ठीक है ना? वी एक्सपेक्ट दैट द बोथ द डेटा नॉट इंडिपेंडेंट ना, सेम सेम पेपर है, सेम पेपर तो सिमिलर मार्क्स होने चाहिए. अब इसके बाद ये हो गया आपका पार्ट फोर. पार्ट फाइव में बोल रहा है कमेंट ऑन द इश्यूज अराइजिंग व्हेन एनालाइजिंग द पेयर डेटा एज इंडिपेंडेंट सैंपल्स and independent samples as they were paired. तो देखो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो. एक सेम पेपर है जिसको दो मार्कर्स चेक कर रहे हैं. आप एक केस में क्या कर रहे हो, एक केस में उसको आप पेयर्ड मान रहे हो. पेयर्ड मानने का मतलब है आप बोल रहे हो दोनों सेम डेटा है. और एक केस में आप बोल रहे हो कि दोनों इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट से मतलब वॉट इज ऑपोजिट. अगर हम कर दें, अगर हम पेयर डेटा को इंडिपेंडेंट ले ले और इंडिपेंडेंट डेटा को पेयर ले ले तो इससे ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा ना. हम लोग का जो अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो वायलेट हो जाएगा. अगर आप पेयर डेटा को इंडिपेंडेंट मान लोगे तो आपका जो अजम्पशन है कि डेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जैसे इस केस में हुआ पार्ट थ्री में, ऑल्दो द डेटा इज पेयर्ड बट आपने उसको इंडिपेंडेंट मान लिया विच इज रॉन्ग. सिमिलरली इंडिपेंडेंट डेटा को अगर आप पेयर्ड मान लोगे, अगेन आप क्या कर रहे हो, आप इनफिशियंट यूज कर रहे हो ना डेटा का, क्योंकि आप बोल रहे हो कि दोनों का वेरियंस इज सिमिलर. जब आप बोलते हो कि डेटा पेयर्ड है का मतलब दोनों का वेरियंस सेम है. जब पेयर्ड नहीं है मतलब वेरियंस सेम नहीं है. बट आप गलत चीज कर दोगे अगर आप गलत इनपुट ले लोगे तो वही चीज बोला है इधर. देखो क्लियरली If a paired problem is analyzed as though it were independent, जो हमने part 3 में किया, then the result would be invalid.
बिकॉज द अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज वायलेटेड. भाई अजम्पशन ही इनवैलिड है आपका, आपने पेड फॉल्स कर दिया, गलत डेटा तो था आपस में पेड. ऑल्टरनेटिवली इफ द इंडिपेंडेंट सैंपल आर एनालाइज एज अ पेड, मतलब यहां वो चीज नहीं, मतलब दो अलग अलग पेपर्स है और दोनों को पेयर ट्रू कर दोगे तो भी देन द रिजल्ट वुड बी अगेन वैलिड, ऑल्दो दे वुड बी मेकिंग इनएफिशिएंट यूज ऑफ डेटा. मतलब बोल रहा है अगर इंडिपेंडेंट सैंपल्स है, दो अलग पेपर है, स्टिल आप पेयर इक्वल्स टू कर दो, वो फिर भी बेटर है. दैट केस इज बेटर देन द थर्ड वाला केस जो हमने यहाँ पे किया, ऑल्दो द डेटा वॉज सेम बट आपने उसको पेयर फॉल्स किया. ये पूरा गलत है, ये पूरा गलत है. बट अगर आपका इंडिपेंडेंट सैंपल है उसको आप पेड कर दो, वो फिर भी बेटर है, बट इट इज अगेन मेकिंग इनएफिशिएंट यूज ऑफ डेटा ड्यू टू डिस्कार्डिंग ऑफ पॉसिबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल मीन्स एंड वेरियंसेस ऑफ द टू सेपरेट पॉपुलेशन. व्हेन द डेटा इज इंडिपेंडेंट मतलब इट हैज टू सेपरेट पॉपुलेशन वेरियंसेस, बट आप उसको पेड ट्रू कर दोगे, आउटपुट भले ही वैलिड हो बट वो गलत है. सिमिलरली अगर सेम पेपर है, डेटा इज पेड बट आप उसको अज्यूम कर रहे हो इंडिपेंडेंट, तो ये तो आपका आउटपुट ही इनवैलिड है. मैम मतलब कि अगर हम डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट मान रहे तो वो बिल्कुल गलत है, बट इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट मान रहे तो इट्स ओके. फिर से बोलना एक बार जवाब. अगर हम डिपेंडेंट यूज द वर्ड पेड, यूज द वर्ड पेड. अगर हम पेड को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं तो वो तो बिल्कुल गलत है. गलत है, करेक्ट, जो हमने यहाँ पे किया इन पार्ट थ्री. ओके हाँ, और अगर इंडिपेंडेंट को आप पेड मान रहे हो तो वो चलेगा. बहुत सही है. हाँ करेक्ट, बट आंसर सही नहीं है. ओके ठीक है. लेट्स डू वन थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं. Just give me 2 minutes and then you we can start with the third question. आप लोग read करके start करो, इसको खत्म करो. Let's take a short break. ठीक है, मैं बता देती हूँ आप लोग को 5 minutes का. ठीक है, देख लेके we resume again. फिर मैं आप लोगों को सीधा ब्रेक ही दे दूंगी. वी वी कैन जस्ट टेक 20 मिनट्स टू कंप्लीट द थर्ड क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला. लंच ब्रेक दे दूंगी सीधा.